हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका शर्मा आपके अपने चैनल टॉपिक बॉक्स पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हो दोस्तों आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जिसने मेरे चैनल पर अभी विजिट किया वो मेरे चैनल टॉपिक बॉक्स को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए ड्रीम्स रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों, सपने हर किसी को आते हैं, किसी को ज़्यादा, किसी को कम। किसी को सपने याद रहते हैं और कुछ लोग सपने देखते हैं किंतु उन्हें याद नहीं रहते हैं। दोस्तों, यदि आप सपने में खुद की या अपने किसी मित्र या फिर किसी रिलेटिव की शादी होते हुए देखते हैं तो यह सपना शुभ नहीं माना जाता है। यह सपना बहुत ही अशुभ होता है। यह सपना आपके कार्य में कोई बाधा आने का संकेत देता है। दोस्तों, यदि आपने सपने में अरेंज मैरिज देखी है तो निजी जीवन में इसका अर्थ है कि आप पर किसी ऐसे काम को करने का दबाव बनाया जा रहा है जिसे आप नहीं करना चाहते हैं, यानी कि किसी मुद्दे पर अभी या भविष्य में आपकी आवाज़ को नहीं सुना जाएगा। दोस्तों, अगर आप सपने में शादी में सिंदूर या मंगलसूत्र पहनाते हुए देखते हैं या सगाई की कोई रस्म में अंगूठी बदलते हुए देखते हैं या सपने में प्रयोजन के दौरान अंगूठी भी दिखाई देती है तो इसका साफ मतलब होता है कि आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। कोई ना कोई शत्रु की बाधा आपके निकट भविष्य में आने वाली है। दोस्तों, यदि आप अपने सपने में शादी देखने और किसी भी प्रकार से दूल्हा दुल्हन को शादी के कपड़े पहने हुए देखें तो उसका मतलब होता है कि आप लोगों के कार्य में कोई ना कोई रुकावट आने वाली है या फिर कोई ना कोई धन से संबंधित समस्या आने वाली है। दोस्तों, अगर आप सपने में शादी की बारात देखते हैं तो इसका संकेत होता है कि निकट समय में कोई ना कोई रोग या गंभीर बीमारी आपको या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को अपने घेरे में ले सकती है। दोस्तों, यदि सपने में कोई अन्य महिला शादी के जोड़े में दिखाई दे तो यह आपके लिए काफ़ी शुभ संकेत है। इसका अर्थ यह है कि आपके जीवन में बहुत जल्द ही खुशियां आने वाली हैं। लेकिन यदि सपनों में दुल्हन को रोता हुआ देखा जाए तो यह अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको शादी बारात से संबंधित सपनों के फल के बारे में आपको बताया है। दोस्तों, अशुभ सपन के आने पर डरे नहीं, मैं आपको उपाय बताती हूँ। पहला उपाय तो हमारा यह है कि आप सबसे पहले सुबह उठकर तुलसी माता के सामने उस सपन को कह दे, इससे सपन का दुष्प्रभाव नहीं होगा। दूसरा उपाय यह है कि आप नहा धोकर किसी शिव मंदिर में जाकर या घर पर ही ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। तीसरा उपाय यह है कि आप सुबह उठकर बिना किसी से कुछ भी बोले किसी सफ़ेद कागज़ पर सपन को लिखकर फिर उस कागज़ को जला दे और उस राख को नाली में पानी डालकर बहा दे, कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आपको आपके प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से मिल गया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल टॉपिक बॉक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।